क्रिएटर कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। सो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट चैनल के लिए आप लोग किस तरीके से कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपका जो शॉर्ट वीडियो होगा वो किस कैटेगरी में रखोगे, जिसकी वजह से क्या होगा आपके वीडियो में व्यूज ज्यादा आएंगे, आपका चैनल फटाफट से ग्रो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैटेगरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग अपने वीडियो के लिए कैटेगरी एकदम परफेक्ट सिलेक्ट करते हो ना, तो बहुत ही आसानी से आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, ठीक है। पर यहां पर मैं बताऊंगा कि अगर आपका शॉर्ट चैनल है, आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो, तो आपके शॉर्ट वीडियो के लिए आप लोग किस तरीके से कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बराबर से स्टार्ट करते हो। इससे पहले वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो एंड भाई वीडियो को दोस्तों में शेयर करो, जिससे उनका फायदा हो जाए। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो चलो बराबर से बात करते हैं कि शॉर्ट वीडियो के लिए कौन सा कैटेगरी परफेक्ट होगा। देखो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, जो हमारे शॉर्ट्स वीडियो होते हैं ना, शॉर्ट्स चैनल होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, समझा। देखो भाई, हमारे YouTube के कैटेगरी के सेक्शन में टोटल 15 कैटेगरीज हैं, है ना। तो भाई जो आपका चैनल है शॉर्ट वीडियो चैनल, भाई वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा ना। आप कोई ब्लॉगिंग करता होगा, यानी ब्लॉगिंग शॉर्ट वीडियो बनाता होगा, है ना। कोई मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियो बनाता होगा, है ना। कोई कुकिंग शॉर्ट वीडियो बनाता होगा, कोई भाई हमारा ड्रॉइंग शॉर्ट वीडियो बनाता होगा, मतलब सब लोग अपना डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ के रखने का है। तो सबसे पहले आपको आपका टॉपिक पता होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो बनाते हो, ठीक है। देखो मान लो भाई, मेरा एक चैनल है जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ, पर भाई मुझे यही नहीं पता कि मैं किस टॉपिक पे बनाता हूँ। मैं आज बाहर गया तो ब्लॉगिंग वाला वीडियो अपलोड कर दिया, वहां नाच रहे थे सब लोग तो उसका वीडियो अपलोड कर दिया, आज मैंने खाना बनाया तो उसका वीडियो अपलोड कर दिया, आज मैं खाना खा रहा हूँ तो उसका वीडियो अपलोड कर दिया। तो अगर आप लोग ऐसे अलग अलग शॉर्ट वीडियो अपलोड करोगे ना, तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। आपको एक टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा, एक रास्ते पे चलना पड़ेगा, एक सीधे रास्ते पे चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक टॉपिक डिसाइड करना होगा, जैसे कि मान लो मेरा एक शॉर्ट चैनल है, पर मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं मोटिवेशनल वीडियो ही डालूंगा, समझा। मेरे शॉर्ट चैनल पे मैं मोटिवेशनल वीडियो ही डालूंगा और कुछ भी नहीं डालूंगा। तो भाई यहां पर आपका टॉपिक क्या है, मोटिवेशनल वीडियो। मोटिवेशनल वीडियो किसके अंदर आता है भाई, एजुकेशन कैटेगरी के अंदर आता है। ये बात आपको समझ कर रखने का है। तो देखो ना, यहाँ पर फटाक से आपके चैनल के लिए आपका कैटेगरी मिल गया ना। उसी तरीके से अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक चैनल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं ब्लॉगिंग शॉर्ट वीडियो डालूंगा। अगर आप लोग का चैनल है उसके अंदर ब्लॉगिंग शॉर्ट वीडियो डालते हो, तो यहां पर आपको टॉपिक पता है ना कि मेरा टॉपिक क्या है, ब्लॉगिंग। क्या है ब्लॉगिंग, तो ब्लॉगिंग चैनल किस कैटेगरी के अंदर आता है, पीपल्स एंड ब्लॉग्स। तो आप लोगों को पीपल्स एंड ब्लॉग सिलेक्ट करना, ठीक है। अब देखो एक और ऐसे मान लो चैनल है, ठीक है, और मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं कुकिंग वीडियो बनाऊंगा, यानी कि मैं खाना वाना बनाऊंगा तो उसका शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करूंगा मेरे चैनल पे। तो भाई देखो यहाँ पर मुझे मेरा टॉपिक पता है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, है ना, कुकिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो भाई हमारा चैनल किसके अंदर, हाउ टू स्टाइल कैटेगरी के अंदर आएगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपका टॉपिक पता होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे आपका शॉर्ट वीडियो बना रहे हो, ठीक है। अब भाई डिफरेंट डिफरेंट शॉर्ट वीडियो बनाओगे, एक ही चैनल पर अपलोड करोगे, तो वहां पर कैटेगरी हम कैसे बताएंगे, क्योंकि मैंने इसे बहुत लोग का चैनल देखा है जहां पर गेमिंग वीडियो डाल देते हैं, है ना, खेलने का वीडियो डालते हैं, कोई नाच रहा है तो उसका वीडियो डालते हैं, कोई गा रहा उसका वीडियो डालते हैं, मतलब कुछ भी वीडियो बनाकर डाल देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं कैसे कैटेगरी बताऊं, बताओ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भैया कैटेगरी क्या होगा, हमारा शॉर्ट चैनल है कैटेगरी क्या होगा। जब मैं विजिट करता हूं चैनल पर जाकर देखता हूं, तो देखता यही होगा वहां पर गेमिंग कैटेगरी, कोई पबजी का, कोई फ्री फायर का, कोई डांस का, कोई कुछ कोई कुछ, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है तो उसका वीडियो, मतलब सब आप लोग मिक्स कर देते हो। तो इसके लिए मैं कौन सा कैटेगरी बताऊं, समझा। तो यहां पर आपका चैनल ग्रो नहीं होने वाला, ठीक है। आप लोग को कोई एक कैटेगरी का एक टॉपिक सिलेक्ट करना है और उसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनाना, तभी आपके लिए कैटेगरी सिलेक्ट हो पाएगा, ठीक है, समझा कि नहीं समझा। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ के रखने का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको चुपचाप से सोचना है कि भाई मेरा शॉर्ट चैनल है और मैं क्या करता हूं, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं, तो इस टॉपिक के लिए ये वाला कैटेगरी परफेक्ट होता है, तो वही कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ के रखने का है। सो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट वीडियो के लिए हम कैसे कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे पता कर सकते हैं कि भाई हमारे चैनल के लिए कौन सा कैटेगरी परफेक्ट होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ के रखने का, ठीक है। फिर चलो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।